पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद बीजेपी की नींद यूपी पंचायत चुनाव के नतीजों ने भी उड़ा दी है। इन चुनावों में बीजेपी को सियासी तौर पर बड़ा झटका लगा है। अयोध्या से लेकर मथुरा और काशी समेत प्रदेश भर में बसपा और सपा ने बीजेपी को करारी मात दी है। यूपी के ये तीनों जिले योगी आदित्यनाथ सरकार के एजेंडे में शामिल रहे हैं और पिछले 4 सालों में इन जिलों पर सरकार काफी मेहरबान रही है। इसके बावजूद अयोध्या, मथुरा और काशी में मिली करारी हार एक बड़ा सियासी संदेश देती है। अयोध्या जनपद में कुल जिला पंचायत सदस्य की 40 सीटें हैं, जिनमें से 24 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने परचम फहराया। यहां बीजेपी को महज 6 सीटें ही मिली हैं। बीजेपी को यहां अपने बागियों के चलते भी करारी मात खानी पड़ी, क्योंकि 13 सीटों पर पार्टी के नेताओं को टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे। हालांकि अयोध्या की सियासत को लेकर बीजेपी कुछ और भी दावा करती रही हो, लेकिन सपा का यहां अपना बड़ा जनाधार है। इसके बावजूद बीजेपी का अयोध्या में ऐसे समय हारना जब वहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा हो और बीजेपी उसका क्रेडिट भी ले रही हो, कुछ और ही कहानी बयां करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी भाजपा की हालत चिंताजनक है। MLC चुनाव के बाद भाजपा को जिला पंचायत चुनाव में भी काशी में करारी मात मिली। जिला पंचायत की 40 सीटों में से बीजेपी के खाते में महज 8 सीटें आई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने यहां 14 सीटों पर कब्जा किया है, तो बसपा की बात करें तो उसने यहां 5 सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि बनारस में अपना दल एस को 3 सीटें मिली हैं। आम आदमी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को भी 1-1 सीट मिली है। इसके अलावा 3 निर्दलीय प्रत्याशियों को भी जीत मिली है। 2015 में भी काशी में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन योगी सरकार बनने के बाद बीजेपी ने जिला पंचायत की कुर्सी सपा से छीन ली थी। कृष्ण की नगरी मथुरा जिले की बात करें तो यहां भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। मथुरा में बहुजन समाज पार्टी ने बाजी मारी है। यहां पर बसपा के 12 उम्मीदवारों ने जीत का परचम फहराया है। बसपा के बाद RLD ने भी 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी 8 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। सपा को 1 सीट से ही काम चलाना पड़ा। 3 निर्दलीय प्रत्याशी विजय हुए हैं। मथुरा में कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो गया, खुद कांग्रेस जिला अध्यक्ष चुनाव हार गए। मथुरा में BSP ने बीजेपी को कड़ी शिकस्त दी है। बता दें कि बीजेपी की स्थापना के दौर से ही अयोध्या, मथुरा, काशी एजेंडे में उनके शामिल रहा है। बीजेपी इन जिलों के नाम पर अपनी सियासत यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में करती रही है। ऐसे में बीजेपी का इन तीनों जिलों में करारी हार होना बड़ा झटका है। वहीं PM मोदी के संसदीय क्षेत्र में लगातार सपा बीजेपी को मात देती जा रही है। मथुरा में BSP का नंबर 1 आना ये बताता रहा है कि उस एरिया में मायावती का असर कितना मजबूत है। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक 8 महीने पहले पंचायत चुनाव को 2022 का सेमीफाइनल माना जा रहा था। ये चुनाव सत्ताधारी बीजेपी के साथ साथ विपक्षी समाजवादी पार्टी, BSP और कांग्रेस के लिए भी अहम है। गांवों की सरकार के लिए हो रहे इस चुनाव में पार्टियों की असली ताकत जिला पंचायत से तय होती है। जिला पंचायत चुनाव के अब तक के नतीजों में सपा और बसपा एक बड़ी ताकत बनकर उभरी है और अयोध्या, मथुरा, काशी में बीजेपी की करारी हार योगी सरकार की नींद उड़ा रही है। वहीं दूसरी ओर राज्य की राजनीति में ये सवाल भी उछाल दिया गया है कि सूबे में लगभग अजय नजर आ रही भाजपा के मुकाबले क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी अपनी राजनीति की गति अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव तक बरकरार रख पाएंगी।